जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मेरा YouTube चैनल किशन ग्लोबल स्टडीज पर। तो साथियों, कल हम लोग पढ़े थे संज्ञा, ठीक है साथियों, और उसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो भी रिलेट करा देते, उसका थ्योरी भी रिलेट करा देते। आज हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम, ठीक है साथियों। तो सर्वनाम में क्या है, उसको उसका जो कितने प्रकार होते वो देख लेंगे, और उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम से कैसे रिलेट करेगा उसको भी देख लेंगे, ठीक है साथियों। तो वीडियो अंत तक देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रिलेट करा जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं सर्वनाम की ओर। तो साथियों, सर्वनाम क्या है, सर्वनाम क्या है, यही सब ने पूछा कि सर्वनाम है क्या। तो साथियों, सर्वनाम क्या है, तो जो शब्द किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में आते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे मेरा नाम डायस, मतलब मेरा नाम रमेश है, रमेश है, तो संज्ञा के स्थान पर रमेश जो क्या है वो संज्ञा है, इसलिए उसके स्थान पर जो प्रयोग किया गया उसको हम क्या कहते हैं, सर्वनाम, ठीक है साथियों। आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब साथियों, पूछा गया है कि सर्वनाम की परिभाषा, तो यहाँ पे वही दिया गया कि संज्ञा की जगह लेने वाले को सर्वनाम कहते हैं। सिंपल से भाषा है साथियों कि संज्ञा के जगह लेने वाले को सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट है साथियों, नेक्स्ट है, आगे है सर्वनाम के प्रकार। तो साथियों देखते हैं सर्वनाम के कितने प्रकार हैं। तो साथियों, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ऑप्शन पहला जो है साथियों वो है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है साथियों प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा है निजवाचक सर्वनाम, और छठा है साथियों संबंधवाचक सर्वनाम। साथियों हम पहला देखेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है उसको देखेंगे, ठीक है साथियों। तो साथियों हम देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम को। तो क्या बोला गया है कि जो सर्वनाम पुरुष, जो सर्वनाम प्रथम पुरुष, अद्वितीय पुरुष या अन्य पुरुष के लिए प्रयोग में आता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं कहते हैं, दूसरे शब्द में यह कहा जा सकता है कि जिस सर्वनाम से कहने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में बात की जा रही है उसका बोध हो उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है साथियों। जैसे साथी देखिए, पुरुष प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, जैसे मैं और हम। नेक्स्ट है द्वितीय पुरुष, मध्यम पुरुष, तुम और तुम लोग। अन्य पुरुष में है अन्य पुरुष, वे और वे लोग, ठीक है साथियों। नेक्स्ट है साथियों, नेक्स्ट है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति आदि के बारे में बताए उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है साथियों। तो क्या है एग्जाम्पल में, यह वह, यह मेरा घर है, दूसरा है वह राम का घर है। तो इसमें क्या बता रहा है साथियों कि यह मेरा, मतलब निश्चयवाचक, मतलब जो सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु की, व्यक्ति आदि के बारे में बता रहा है उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है साथियों। नेक्स्ट है साथियों प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक नहीं साथियों, नेक्स्ट है यहाँ पे अनिश्चयवाचक। तो अनिश्चयवाचक में क्या बोला है साथियों, अनिश्चयवाचक में बोला है जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध हो, जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति निश्चित किसी वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ, कोई आदि, दाल में कुछ पड़ा है, बाहर कोई पुकार रहा है, राम कुछ बोल रहा है, ठीक है साथियों, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक, क्या साथियों, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है साथियों। एग्जाम्पल में दिया गया है क्या, कौन, कहाँ, कैसे, यह साथियों यह जिसको हम कहते हैं प्रश्न से स्टार्टिंग हो रहा है उसको बोलते हैं क्या, कौन, ये सब क्या प्रश्न है, ठीक है साथियों, प्रश्नवाचक से। नेक्स्ट है निजवाचक क्या है। तो साथियों जिस सर्वनाम से अपने आप, स्वयं, खुद या आप ही का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है साथियों। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, और आपको मैंने बताया सर्वनाम का 6 भेद होते हैं, तो उसका 6 भेद से ऑब्जेक्टिव रिलेट क्वेश्चन कैसा आता है उसको आपको रिलेट कराएंगे, ठीक, वीडियो अंत तक देखिए। निजवाचक का एग्जाम्पल है साथियों, जैसे दरवाजा अपने आप खुल गया, मैं खुद चला जाऊंगा, बच्चे अपना काम खुद कर लेंगे, ठीक है साथियों। नेक्स्ट है संबंधवाचक। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम के साथ
संबंध बताने का काम करे उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे साथियों, जो सो आदि, जो सो जैसे आदि, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये कहावत है साथियों की, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है साथियों, तो साथियों इसका 6 भेद कंप्लीट हो गया। ठीक है साथियों, अब इसका देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन रिलेट करेगा कैसे करेगा। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर, और आपके सामने है ये पहला क्वेश्चन, देखिए क्या बोल रहा है साथियों। तो आपके सामने आ गया पहला क्वेश्चन संज्ञा से, सर्वनाम से रिलेटेड। तो साथियों पहला है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं। साथियों संज्ञा का जो स्थान ले उसको सर्वनाम कहते हैं। साथियों अभी तुरंत आपको रिलेट करवाए कि संज्ञा के स्थान जो संज्ञा का स्थान ले उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो साथियों इसमें ऑप्शन दिया गया है, ए नंबर सर्वनाम है, बी विशेषण है, सी क्रिया है, डी अव्यव है। तो साथियों संज्ञा का जो स्थान प्रयुक्त करता है उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, सर्वनाम है क्या है, सर्वनाम ए नंबर है विकारी शब्द है, दूसरा है अविकारी शब्द है, सी दोनों है, डी दोनों नहीं है। सर्वनाम जो है साथियों ए नंबर हो जाएगा, विकारी शब्द है, ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अशुद्ध वाक्य चुनिए। साथियों इसमें अशुद्ध वाक्य चुनना है। तो क्या बोला है, वह स्वयं यहां नहीं आना चाहती। ऑप्शन बी है, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूं। ऑप्शन सी है, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। ऑप्शन डी है, मुझे इस बैठक में सूचना नहीं थी, इस बैठक की सूचना नहीं थी। तो साथियों अशुद्ध वाक्य का इसमें पूछा गया, तो मैं तेरे को एक घड़ी नहीं दूंगा। साथियों ये जो वाक्य है अशुद्ध है, बैठ ही नहीं रहा है कि मैं तेरे को एक घड़ी नहीं दूंगा, तो ये गलत है साथियों। इसलिए करेक्ट हो जाएगा सी नंबर, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कौन हो तुम वसंत के दूत का दूत, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है। ऑप्शन ए है साथियों उत्तम पुरुष वाची सर्वनाम, ऑप्शन बी है मध्यम पुरुष वाची सर्वनाम, ऑप्शन सी है अन्य पुरुष वाची सर्वनाम, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों कौन हो तुम वसंत के दूत, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा साथियों, मध्यम पुरुष वाची सर्वनाम बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, मुझे जो है वो किस प्रकार का सर्वनाम है साथियों, ये पूछा गया है। ऑप्शन है साथियों उत्तम पुरुष है, ऑप्शन है मध्यम पुरुष, ऑप्शन सी है अन्य पुरुष, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मुझे जो है साथियों वो किस प्रकार का सर्वनाम है, वो है उत्तम पुरुष, ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है साथियों सर्वनाम के प्रकार, तो साथियों अभी आपको तुरंत रिलेट कराया सर्वनाम जो प्रकार होता है वो 6 प्रकार होते हैं, सी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। ऑप्शन ए है क्या, ऑप्शन बी है कुछ, ऑप्शन सी है कोई, ऑप्शन डी है यह। तो निश्चयवाचक सर्वनाम का कौन सा है साथियों, तो ये है डी नंबर, यह जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम है, डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है साथियों, इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, इसमें अनिश्चयवाचक साथियों ऑप्शन ए है कौन, ऑप्शन बी है कुछ, ऑप्शन सी है कोई, ऑप्शन डी है वह। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है साथियों सी नंबर कोई, सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है, इनमें सर्वनाम का विकारक शब्द है, सर्वनाम का विकारक शब्द है, ऑप्शन ए है लिंग, ऑप्शन बी है वचन, ऑप्शन सी है कारक, ऑप्शन डी है तीनों। तो सर्वनाम का विकारक शब्द है साथियों ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, लिंग ए करेक्ट है। नेक्स्ट है साथियों, इनमें कौन कारक सर्वनाम के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। ऑप्शन ए है कर्म, ऑप्शन बी है कर्ता, ऑप्शन सी है संबोधन, ऑप्शन डी है संप्रदान। तो कारक वर्तमान के लिए प्रयुक्त नहीं होता है साथियों, सी नंबर जो है वो संबोधन हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट है संबंधवाचक सर्वनाम छांटिए। ऑप्शन ए है मैं तुम हम, नेक्स्ट है यह वह, ऑप्शन सी है कोई कुछ, ऑप्शन डी है जा सो। तो साथियों संबंधवाचक सर्वनाम जो है साथियों इसका करेक्ट हो जाएगा डी नंबर, जा सो, डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, सर्वनाम के विकार है, ऑप्शन ए है वचन, ऑप्शन बी है कारक, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है दोनों नहीं। तो सर्वनाम का जो विकारक है साथियों सी जो करेक्ट हो जाएगा, दोनों सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, आप भले तो जग भला, मतलब आप भले तो जग भला, इस वाक्य में आप क्या समझते, इस वाक्य से आप क्या समझते। ऑप्शन ए है पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी है निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, निजवाचक सर्वनाम साथियों बी नंबर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कोई बैठा है इस वाक्य में रेखांकित सर्वनाम है। ऑप्शन ए है निश्चयवाचक, ऑप्शन बी है निजवाचक, ऑप्शन सी है अनिश्चयवाचक, ऑप्शन डी है संबंधवाचक।
कोई बैठा है साथियों, इस वाक्य का रेखांक सर्वनाम जो है साथियों सी नंबर जो है करेक्ट आंसर है, अनिश्चयवाचक सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत छेड़ो आप ही चला जाएगा, मत छेड़ो आप ही चला जाएगा, इस वाक्य में रेखांकित पद सर्वनाम के भेद हैं। सर्वनाम के भेद कौन से हैं साथियों? तो ऑप्शन ए है निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी है संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका जो करेक्ट होगा ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, जो करेगा सो भरेगा, इस वाक्य में जो और सो जो है साथियों क्या इसमें रिलेट कर रहा है? ऑप्शन ए है निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी है साथियों अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी है साथियों संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी है निजवाचक सर्वनाम। जो करेगा सो भरेगा साथियों, इसमें जो और सो जो है किससे रिलेट कर रहा है? तो वो संबंधवाचक सर्वनाम से कर रहा है। सी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है साथियों, वीडियो अंत तक देखिए, पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, तुम्हें क्या करनी चाहिए रेखांकित का सर्वनाम भेद है। ऑप्शन ए है निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी है प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी है संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी है निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो साथी तुम्हें क्या चाहिए, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी नंबर संबंधवाचक सर्वनाम, सी करेक्ट है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ। ऑप्शन ए है आप घर जाइए, ऑप्शन बी है आपकी पुस्तक कहाँ है, ऑप्शन सी है आप जाने आपका काम जाने, ऑप्शन डी है साथियों आप भले तो जग भला, डी नंबर करेक्ट आंसर है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह जो है वो क्या है? ऑप्शन ए है संज्ञा है, ऑप्शन बी है सर्वनाम है, ऑप्शन सी है विशेषण है, ऑप्शन डी है सर्वनामिक विशेषण है। तो साथियों यह जो है वो है सर्वनामिक विशेषण है, डी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है साथियों, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? ऑप्शन ए है क्या, ऑप्शन बी है कुछ, ऑप्शन डी है, ऑप्शन सी है कौन, ऑप्शन डी है यह। साथियों बोला है निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, ऑप्शन डी जो है वो साथियों वो करेक्ट हो जाएगा, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है साथियों, डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? ऑप्शन ए है कौन, ऑप्शन बी है जो, ऑप्शन सी है कोई, ऑप्शन डी है हुआ। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो है साथियों सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, कोई सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह काम मैं आप कर लूंगा, पंक्ति में आप जो है साथियों वो क्या है? ऑप्शन ए है संबंधवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन बी है निजवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन सी है निश्चयवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन डी है पुरुषवाचक सर्वनाम है। साथियों ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, निश्चयवाचक ऑप्शन सही, इसका मतलब करेक्ट आंसर होगा साथियों बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। मतलब क्या वाला, यह काम मैं आप कर लूंगा, आप जो है साथियों निजवाचक सर्वनाम से रिलेटेड है, बी नंबर जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो है जो साथियों किससे रिलेट है? ऑप्शन ए है प्रश्नवाचक से, ऑप्शन बी है निश्चयवाचक से, ऑप्शन सी है संबंधवाचक से, ऑप्शन डी है कोई नहीं। सो साथियों जो है वो संबंधवाचक से है, सी नंबर करेक्ट है। नेक्स्ट है, किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक है? ऑप्शन ए है कौन क्या किसने, ऑप्शन बी है जो कोई हुआ, ऑप्शन सी है साथियों जिनका जो किसका, ऑप्शन डी है जिन्होंने उन पर उसकी। तो साथियों इसमें किसका सर्वनाम जो प्रश्नवाचक है, सर्वनाम जो है साथियों प्रश्नवाचक है, इसका ए नंबर जो है वो करेक्ट है, कौन क्या किसने ए नंबर करेक्ट आंसर है। ठीक है साथियों, तो साथियों सर्वनाम का मैंने थ्योरी भी कराया आपको और ऑब्जेक्टिव रिलेटेड क्वेश्चन करवाया। ठीक है साथियों, आपको पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगा। ठीक है, आप कल जो होगा साथियों यह नया टॉपिक में जाएंगे और नया टॉपिक में चर्चा करेंगे। ठीक है साथियों, तो कल भी आपको वीडियो प्रोवाइड, डेली वीडियो आपका प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है साथियों, तो वीडियो आप अंत तक देखिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपको डेली वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल नया टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।